स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे। आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं राम बच्चों को पढ़ाता है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाना सीखते हैं। राम एक नाम है, ठीक है। राम पढ़ाता है एक वर्ब है, यहाँ पे हमारा वर्ब है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे पढ़ाना का टीच, राम टीच। तो वर्ब के साथ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज़ करनी होती है, एस या ई एस ऐड करना होता है। जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे कि कोई नाम या ही सी इट या कोई नाम जैसे राम श्याम सिंगुलर, जैसे सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो हम लोग उसके वर्ब के साथ इस वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं, जैसे कि राम टीच। अब किसको पढ़ाता है, तो बच्चों को, यानी राम टीच द चिल्ड्रेन या राम टीच चिल्ड्रेन, राम टीच द चिल्ड्रेन यानी राम बच्चों को पढ़ाता है, राम टीच चिल्ड्रेन ऐसे बोल सकते हैं, राम टीच चिल्ड्रेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद।